कलमना पुलिस ने गश्त के दौरान मिली जानकारी के आधार पर चिखली के काली माता मंदिर के पास MH 49AT 7713 नंबर की पिकअप गाड़ी को पकड़ा। जांच करने पर गाड़ी में गेहूं और चावल से भरे बोरे दिखाई दिए। पूछताछ में पता चला कि वाहन में लदा अनाज सरकारी राशन दुकान का है। पुलिस ने बूटी बोरी तहसील के अन्य आपूर्ति निरीक्षक आंचल बांगरे से संपर्क कर प्रकरण की जानकारी दी। इसके बाद संयुक्त टीम ने राशन दुकानदार अकबर शेख की दुकान पर छापा मारा। यह दुकान अकबर का बेटा सुजात उर्फ बाबा शेख चलाता है। दुकान की जाँच करने पर टीम को बड़े पैमाने पर अनाज दिखाई दिया। गरीब तबके के लोगों के लिए जारी सरकारी अनाज को साधारण बोरियों में भरकर व्यापारियों को बेचा जा रहा था। सुजात ने पुलिस को बताया कि उसने ही सिंधु सोसाइटी जरीपटका निवासी खुशाल उर्फ राहुल रमेशलाल वासवानी को पिकअप वाहन में माल बेचा था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ जीवन आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वासवानी और सुजात शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 59,500 रुपए के अनाज और वाहन सहित पुलिस ने 8,00,000 रुपए का माल जब्त किया है। डीसीपी मनीष कलवानिया और एसीपी नैन आलूरकर के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर बीएस नरके, एपीआई राहुल डोंगरे, हेड कांस्टेबल दीपक धानोरकर, कांस्टेबल प्रवीण लांडे, दिनेश यादव, अशोक ताइडे, सचिन दुबे और अनिल जाधव ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आमचे नाईट ऑफिसर एपीआय राहुल डोंगरे यांना खुशाल रमेशचंद्र वासवानी हा व्यक्ती त्याच्या बिगर नंबर प्लेटच्या पिकअप गाडीमध्ये काही धान्याचे गोण्या घेऊन जात असताना मिळून आला। त्याच्याकडे ज्यावेळेस अधिक चौकशी केली त्यावेळेस असं लक्षात आलं की त्याने सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा जो गहू असतो तो गहू त्याने बुटीबोरी या इथले एका रेशनिंगच्या दुकानामधून खरेदी करून तो काळ्या बाजारामध्ये विक्रीसाठी घेऊन जात होता। त्याच्याकडे करण्यात आलेल्या चौकशीवरून हे निष्पन्न झाल्याने त्यानंतर आम्ही डिस्ट्रिक्ट सप्लाय ऑफिसर नागपूर ग्रामीण यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना या घटनेबाबत माहिती दिली व त्यांचे अधिकारी यांना बरोबर घेऊन आम्ही बुटीबोरे येथे जाऊन त्या ठिकाणी रेशनिंग संबंधित रेशनिंग दुकान यावर छापा टाकला। सदर छाप्यामध्ये असे लक्षात आले की सुजात शेख उर्फ बाबा वल्द अकबर भाई बुटी राहणार बुटी बोरी यांचं सदरचं रेशनचं दुकान होतं आणि त्या दुकानामधूनच 70 गुन्ह्या गहू त्यांनी आरोपी क्रमांक 1 खुशाल वासवानी याला काळ्या बाजारामध्ये विक्रीसाठी त्याच रात्री दिले असल्याचे दिसून आले। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।